तो ये लाश आपको मिली कैसे? सर आई एम ए ब्लॉगर, ब्लॉग शूट करने आई थी यहाँ पे। हम ब्लॉग शूट कर रहे थे, ब्लॉग शूट करते करते मेरा पैर अचानक बच्चों के देर में घुस गया। फिर मैंने चेक किया तो मुझे लाश मिली, तो आप लोगों को कॉल कर दिया। आपने किसी को इस दौरान आते जाते देखा यहाँ? ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको बुलाया जाएगा। सर यू पत्तों के बीच लाश मिलना कुछ हजम नहीं हो रहा है। सही कह रहे हो दया। सर बहुत ही चालाकी से खून किया गया है, क्योंकि बॉडी में कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। सर खूनी बहुत चालाक है। ये जो पत्तों के ढेर दिख रहे हैं ना दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जाओ जाकर चेक करो। सर बिना नाम और आईडी प्रूफ के इनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सर मेरे हिसाब से केस को न्यूज पर दे देती, शायद ये आसानी से उनके घर वालों को और उनके बारे में कुछ पता चल जाए। नहीं दया, हो सकता है खूनी अभी और खून करने के फिराक में हो। ऐसा करने से खूनी सतर्क हो जाएगा और हमें खूनी को रंगे हाथों पकड़ना है। अभिजीत तुम ऐसा करो, तुम जाओ पुलिस स्टेशन और फोटो देखो और पता करो कि इनके खिलाफ कोई मिसिंग केस दर्ज है क्या। और हाँ, खबर लीक नहीं होना चाहिए। जी सर। हेलो। हाँ सर, सीआईडी से दया बात कर रहे हैं? हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। सर मैं श्यामू बोल रहा हूँ। तो मैं मेरे बगीचे में एक लाश मिली है। अच्छा सर, आप जल्दी से आ जाइए, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। ठीक ठीक, तुम वहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ओके। ये बताओ ये लाश तुम्हें कैसे मिली? सर ये जो जंगल है वो हमारे बाप का है। अच्छा, तो कभी कभी मैं देखने आ जाता हूँ, और सर मेरे सिवा यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो सर जब मैं ये जंगल में आया तो मुझे पत्तों का ढेर दिखा, तो मैंने सोचा कि मेरे सिवा तो कोई आता जाता है नहीं, तो ये किसने किया होगा। और दूर से मुझे ये हाथ दिखा। तो सर जब मैं और पास आया, यहाँ पर चेक किया, तो मुझे बॉडी मिल गई। अच्छा ये बताओ उस दौरान कोई आते जाते आपको दिखा यहाँ पे? नहीं सर, मैंने बताया ना यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। एक काम करो, इसके चेहरे से पत्ते हटाओ थोड़ा।